अब ज़्यादा समझे कि जरा हम इसको समझ लेते हैं। मैं बार बार इस बारे में बोल रहा हूं कि खतरा एक्चुअली उनको नहीं है जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो किनको खतरा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। खतरा एक्चुअल में किसको है? तो खतरा स्पेशली उनको है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनके शरीर की वीक है, वो हाई रिस्क पर है। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी में बार बार बोला गया, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। ऐसे पेशेंट इससे ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, टीओआई का एक आर्टिकल है जिसमें इंटरव्यू में ये किनका है, एम्स के जो चीफ हैं, उन्होंने भी ये कहा है, मिसयूज ऑफ स्टेरॉइड मेजर कोज बिहाइंड द ब्लैक फंगस। क्या हो रहा है कि अगर आप ध्यान से देखो तो कोरोना का जब ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब हमारी हम क्या कर सकते हैं कोरोना से बचे, इधर कुआं उधर खाई। अब कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टीरोइड इस्तेमाल हो रहा है और वही स्टीरोइड हमारी इम्यूनिटी को भी डाउन करता है और उसी वजह से हम लोग ब्लैक फंगस के भी शिकार हो सकते हैं। तो हम लोग इधर कोरोना से बचें तो उसके लिए स्टीरोइड लेना पड़ेगा, स्टीरोइड का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरह से स्टीरोइड को लेना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टीरोइड लेते हैं तो उससे इम्यूनिटी डाउन होती है और अगर इम्यूनिटी डाउन हुई तो वहां पर ब्लैक फंगस का भी खतरा बढ़ेगा अगर हमने हाइजीन का ध्यान नहीं दिया तो, साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो। समस्या बड़ी है, ठीक है, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है, स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर या शुगर के मरीज है, डायबिटीज है, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार लगातार उनकी डायबिटीज को चेक करते रहे, शुगर के लेवल को चेक करते रहे, उनको खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा था आप लोगों से, अगर आप ऐसा सोचे कि हम तो स्वस्थ हैं हमें क्या लेना देना, लेकिन यहां पर कैच है, आपके स्वस्थ होने से तो खैर फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को भी शुगर है या कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया या कैंसर है, उनको तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अगर सजग रहेंगे, उनको बताएंगे तो बचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जरा आप देखिए, यहां पर स्टीरोइड दिया गया, यहां पर इम्यूनो सप्रेशन ऑफ बाय स्टीरोइड। कई बार होता है ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरोइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरोइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है, सांस संबंधी, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको फंगस, ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इंफेक्टेड होने का खतरा है।